अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज पहला दिन है जब श्रद्धालुओं के लिए दर्शन खोल दिए गए हैं और आप देख सकते हैं ये मुख्य गेट है। इसके बाद सिक्योरिटी चेकिंग होती है और यहाँ श्रद्धालुओं को अलग अलग टुकड़ों में, पहले कुछ लोगों को सड़क में रोका जाता है, उसके बाद सड़क में रोकने के बाद कुछ लोगों को करीब 300 मीटर पहले रोका जाता है, उसके बाद अगला जत्था जिसकी सिक्योरिटी चेकिंग होनी होती है उनको लोगों को यहाँ पर लाइन में लगा दिया जाता है, उसके बाद यहाँ से लाइन और चेकिंग आगे जाकर के अगले पॉइंट में सिक्योरिटी चेकिंग होती है। सिक्योरिटी चेकिंग के बाद फिर आगे इनको प्रवेश मिलता है, वहां प्रवेश करने के बाद ये वापस लौट करके दूसरे गेट से निकल करके बाहर चले जाते हैं। आज पहले दिन का जो जोश और खरोश है वो देखते ही बनता है। जो श्रद्धालु हैं वो अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग इलाकों से, अलग अलग जिसमें बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे तक शामिल हैं और सभी को यहाँ पर इंतजार है राम लला के दर्शन का। पहले दिन का जो जोश है वो बेहद हाई है और प्रशासन को उम्मीद है कि आज पहले दिन 5 लाख से ज्यादा लोगों को ये दर्शन प्राप्त हो जाएंगे और 5 लाख से ज्यादा लोग दर्शन करके आज अपने धाम को लौट जाएंगे। प्रभु श्री राम के धाम में आए हुए सभी श्रद्धालुओं को यहाँ पर दर्शन करने का मौका मिल रहा है और सभी लोग बेहद खुश नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जय श्री राम के नारों के साथ लोग यहाँ पर लाइन में खड़े हुए हैं। आज पहला दिन है, पहली बार जा रहे हैं, कैसी फीलिंग है? बाबा को बहुत कष्ट से मिल रहे हैं, हम तो सोचे कि जान निछावर कर देंगे लेकिन बाबा से मिलेंगे, चाहे मेरा प्राण क्यों नहीं चले जाए। इसलिए हम सरयुग नदी में स्नान करके सुबह ही गंगा जल उठाए हैं माथा पे और बाबा को चढ़ाएंगे। मेरा यही है, अब बाबा जो ही आशीर्वाद हमको दे अच्छा। दर्शन तो हो जाएंगे लेकिन ये चढ़ेगा नहीं, आपका दर्शन आपको चढ़ेगा नहीं, लेकिन कोशिश तो मेरा रहेगा चढ़ाने का, चाहे जो भी हो। हाँ, हम तो बिहार से आए हैं, हम मेरा कितने दिनों से अयोध्या में है, कितनों दिनों से हम तो यहाँ 5 रोज से अयोध्या में है। तो देख सकते हैं थोड़ा सा जो भीड़ है वो हालात से काबू बड़ी मुश्किल से हो रही है क्योंकि पुलिस व्यवस्था तो चाक चौबंद है, लेकिन फिर भी भीड़ और यहाँ पर जो रुके हुए लोग हैं उन वो काफी उत्सुक हैं दर्शन करने के लिए, इसीलिए लगातार भीड़ धीरे धीरे प्रभु श्री राम की तरफ जा रही है और आज प्रशासन को उम्मीद है 5 लाख से ज्यादा दर्शनाभिलाषी हैं जो दर्शन करने के लिए प्रभु श्री राम के लिए आए हैं उनको वो दर्शन करा देंगे। और प्रशासन यहाँ चुस्त दुरुस्त है लेकिन एक एक व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है और एक एक व्यक्ति के ऊपर अच्छे से नजर रखने के बाद, उसको चेकिंग करने के बाद ही आगे जाने दिया जा रहा है। फिलहाल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ से कैमरा पर्सन फुरकान के साथ कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया।